मध्य विद्यालय उत्कर्मित सह मध्य विद्यालय हरिनमार बिशनपुर, जहां प्रधानाध्यापक अमरेश कुमार हैं। उन्होंने 7 शिक्षक के बदौलत 10 क्लास तक के पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहां के बच्चे सुदूर देहात के बच्चे के तरह जमीन पर बैठकर क्लास करते हैं। गौरतलब बात है, सरकार के निर्देशानुसार वहां एक स्मार्ट क्लास भी चल रही है। स्मार्ट क्लास में बच्चे अपने ढंग से टीवी स्क्रीन से पढ़ाया जा रहा है, जहां शिक्षक वो स्टार्ट कर देते हैं और वो अपना कार्यकलाप बच्चे के बीच रहते हैं। यहां कार्यालय के लिए एक कमरा है, जहां पानी जमीन पर आके टपकती है। शिक्षा सेवक 2 हैं। ये विद्यालय का 16 कमरा का भवन है, लेकिन सब भवन विहीन विद्यालय के रूप में आते हैं, जहां किसी भी समय बच्चे उससे दब सकते हैं या दब करके काल के गाल में समा जाएंगे। इसके लिए शिक्षक दोषी हैं या सरकार, इस संबंध में अमरेश कुमार से पूछने पर उन्होंने बताए, कई बार जिला शिक्षा अधीक्षक को लिखा गया है, परंतु अभी तक कोई फरमान जारी नहीं हुआ है। मैंने उन्हें उचित विचार दिया, एक बार आप अपने विधायक प्रणव कुमार से इस बात की गुजारिश करें, कुछ कायाकल्प हो सकती है। विद्यालय के चार दीवारी की ओर देखने पर स्वयं चरवाहा विद्यालय का शक्ल में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ 700 बच्चे का भाग निर्भर करता है। यहाँ के बच्चे स्मार्ट क्लास में आकर 8 और 9 के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। दुखद बात यह है कि एक ही शिक्षक के भरोसे यहाँ उत्क्रमित किया गया है। गुप्त न्यूज़ के लिए बरियारपुर से नरेश आनंद।